हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी और देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण की बात करेंगे। आखिर कितने क्रिकेट खिलाड़ियों को मिल चुका है पद्म भूषण और क्यों? सबसे पहले बात करते महेंद्र सिंह धोनी की। टीम इंडिया की कई बड़ी जीत के लिए जिम्मेदार धोनी को पद्म भूषण सम्मान के लिए पिछले दिनों सिफारिश की गई है। धोनी ने 300 वनडे मैच खेले हैं और वनडे में 100 स्टंप किए हैं। कपिल देव, भारत को पहले वर्ल्ड कप का खिताब कपिल देव की कप्तानी में ही मिला था। कपिल देव को 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कपिल देव ने अपने करियर में 131 टेस्ट मैच खेले हैं। इन मैचों में कुल 5248 रन बनाए और 8 शतक लगाए। कपिल ने 225 वनडे मैचों में 3783 रन बनाए हैं। सुनील गावस्कर, मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर को साल 1980 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गावस्कर ने अपने करियर में कुल 125 टेस्ट मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 10,122 रन बनाए और 34 शतक लगाए हैं दोस्तों। वहीं 108 वनडे मैचों में उन्होंने कुल 3092 रन बनाए और 1 शतक लगाया। राहुल द्रविड़, टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ को साल 2013 में पद्म भूषण मिला। राहुल ने 164 टेस्ट मैच खेले। इन मैचों में कुल 13,288 रन बनाए और 36 शतक लगाए हैं। राहुल ने 334 वनडे मैचों में 10,889 रन बनाए और 12 शतक लगाए हैं। डीबी देवधर महाराष्ट्र के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। इन्हें 99 साल की उम्र में साल 1991 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। प्रोफेसर देवधर ने कुल 81 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें 4522 रन बनाए और 9 शतक लगाए। चंदू बोर्डे, इनको साल 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। उन्होंने कुल 55 टेस्ट मैच खेले। इन मैचों में 3061 रन बनाए और 5 शतक लगाए। सी के नायडू को साल 1956 में ये पुरस्कार दिया गया था। नायडू ने भारत के लिए 60 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 350 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 207 फर्स्ट क्लास मैचों में 26 शतकों के साथ 11,825 रन बनाए हैं। लाला अमरनाथ, साल 1991 में लाला अमरनाथ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। अमरनाथ ने अपने करियर में 24 टेस्ट मैच खेले और 878 रन बनाए, लेकिन शतक बस एक ही लगाया। राजा भलेंद्र सिंह को साल 1983 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने अपने करियर में 13 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें 392 रन बनाए और 1 शतक भी लगाया। वीनू माकड़, वीनू को साल 1973 में पद्म भूषण से नवाजा गया। उन्होंने अपने करियर में 44 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 5 शतकों के साथ 2109 रन बनाए। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के 10 दिग्गज खिलाड़ी जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आप बने रहे YRY18 के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।